आशीष और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। इस रिपोर्ट में बात हो रही है राजस्थान के मुद्दों को लेकर। अगर देखा जाए तो राजस्थान में मुद्दे कम नहीं है, क्योंकि एक तरफ गहलोत और पायलट चल रहा है तो दूसरी तरफ यहां पर बीजेपी भी पूरी तरीके से अपनी जान झोंकती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से चुनावों में जीत हासिल करनी है। क्योंकि परंपरा के अनुसार भी देखा जाए तो यहां पर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी की बारी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम रिपीट करेंगे। वही तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर आई है, सारी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह चुकी है और यहाँ पर गठबंधन करने को लेकर उन्होंने कह दिया कि हार जाएंगे लेकिन गठबंधन किसी पार्टी के साथ नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जैसे हिमाचल में हुआ था या फिर गुजरात में हुआ था, उसी तरीके से कोई ना कोई ऐसा राजनीतिक समीकरण यहां राजस्थान में भी बनता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन कौन जीत हासिल करेगा यह अलग होता है। लेकिन बात गहलोत और पायलट को लेकर ही करें, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर सबसे ज्यादा सुर्खियों में कहा जाए तो यहाँ पर पायलट और गहलोत ही है राजस्थान सरकार को लेकर। लेकिन साफ तौर पे ये देखा जा रहा है और कुछ कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि अगर गहलोत और पायलट आपस में मुलाकात करते और बैठ के बातचीत करते हैं तो इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुलाकात करने के लिए राजी नहीं है अशोक गहलोत। क्योंकि साफ तौर पे कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत ने कह दिया कि हम बेस्ट हैं, हमारी वजह से ही चुनाव जीता जाता है, हमारी वजह से ही सरकार सत्ता में आती है, तो हम किसी भी इंसान से मुलाकात नहीं करेंगे, उनसे बातचीत तक नहीं करेंगे और जो लोग यहाँ पर एक तरीके से वजह बन रहे हैं हमारी पार्टी की हार का, वो पार्टी के बाहर का रास्ता देख सकते हैं। ये बात उन्होंने पायलट का नाम लिए बिना पायलट के लिए कही थी, लेकिन अब यहाँ पर उनके समर्थकों द्वारा और ये कयास भी यहाँ पर भर भर के लगाए जा रहे कि गहलोत पायलट जल्द ही मुलाकात करें, मुलाकात अगर करने पहुंचे अशोक गहलोत और सचिन पायलट से बात करते हैं तो शायद वो समझ पाएंगे कि आखिरकार राजस्थान में होने वाले चुनावों में किस तरीके से साथ मिलकर लड़ना है। पायलट का कहना है कि सरकार को रिपीट कराना है, गहलोत का कहना है कि सरकार रिपीट होगी तो वो सीएम बनेंगे। बातों में फर्क सिर्फ इतना है कि कौन अपने आप को बेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है, कौन अपने आप को आगे रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी ये बात कही जा रही है कि अगर पायलट को अभी भी आगे नहीं बढ़ाया गया तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस वक्त गहलोत से ज्यादा पायलट को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती नजर आ रही है। ये देखना है यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे, सुखजिंदर सिंह रंधावा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर इनकी मुलाकात होना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। एक मुलाकात होगी तो समझा जाएगा किसको क्या बनना है, क्यों बनना है, कब बनना है, इन सारे सवालों का जवाब ये लोग खुद ही यहाँ पर ढूंढते नजर आएंगे। तो सवाल मेरा आप लोगों से यही है कि क्या सच में अशोक गहलोत को सचिन पायलट से एक बार मुलाकात करनी चाहिए, क्या उनसे बैठ कर आमने सामने बातचीत करनी चाहिए या फिर नहीं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।